हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। तो मेरे तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो आज मेरे कुछ स्पेशल ब्लॉग है तो आज पूरा देखिएगा, आप लोग स्किप नहीं करिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ। तो आप लोग कैसे है, उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में जीवन में व्यस्त ही होंगे। और अच्छी बात है, मेहनत करना चाहिए और अपने जीवन में हर किसी को व्यस्त ही रहना चाहिए। तो कुछ आज हमारा स्पेशल ब्लॉग होने वाला है जो कि मैं शूट करूंगी और आप लोग हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा। और कुछ सीन है हमारे साथ, मेरा अभी शुरू सुबह कर रही हूँ मैं ये ब्लॉग की शुरुआत जैसे, और मेरा भाई शाम को कल आया था और उसका सीन वगैरह जो भी है मैं थोड़ा सा शूट करूंगी। और मेरे पापा की डेथ हो गई, 4 साल हो गया, 6 महीने मरे हुए भी हो गया, मैं गाँव गई भी नहीं, मिली भी नहीं हूँ। उसके बाद मेरा भाई मेरे पास आया है और देखते हैं कोशिश करके कैसा क्या ब्लॉग बन रहा है, नहीं ब्लॉग बन रहा है। अभी वो कहीं घूमने गए हैं दोनों साला और जीजे मिला, अरे हाँ तो गए हैं मिलने, देखते हैं अगर उनका मैं थोड़ी बहुत अगर शूट कर पाई, सीन ले पाई मैं भाई का, तो देखते हैं कोशिश करके क्या होता है नहीं होता है। तो मुश्किल है वैसे सीन लेना, लेकिन कोशिश करूंगी मैं अपने तरफ से थोड़ा सा भी अगर मैं अपने भाई का सीन ले ली चुरा के भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी और बच्चे सब रहेंगे तो मैं किसी के सामने वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं सबसे चुरा के बनाती हूँ, किसी को पता नहीं है मेरे चैनल के बारे में, ब्लॉग के बारे में। तो इसलिए चलिए फिर तो आप लोग कंटिन्यू रहिए हमारे साथ, और कैसा बनता है ब्लॉग, कैसे मैं शूट करती हूँ, जितना भी हो सके उतना ही आप लोग सपोर्ट करिएगा मेरे ब्लॉग को। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों देख सकते हैं हम किचन की तरफ आ चुके हैं और जल्दी जल्दी खाना बना लिए हैं हमने। इधर देख चावल बना रखे, इधर दाल और इधर सब्जी, दाल चावल आलू गोभी की सब्जी बना रखे। और मैं निकाल रही हूँ खाना अपने भाई के लिए फटाफट से, क्योंकि वो बोल रहा है जो जाना है तो इसलिए। और जल्दी मैं सुबह उठ के 6 बजे उठ के बनाने लग गई थी, तो अब फाइनली मेरा खाना जो है ना पूरा बना चुकी हूँ। तो मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी जाएंगे तो उनके लिए भी देना है, क्योंकि वो लोग निकलेंगे तो इसलिए जो है ना फटाफट से खाना दे देती हूँ पहले। प्लीज कंटिन्यू रहे वीडियो के साथ। तो मैंने खाना निकाल दी हूँ, देख सकते हैं चावल सब्जी और दाल जो कि निकाल रखी हूँ, और मैं फटाफट से जा रही हूँ देने। वीडियो बना ली हर एक कला पास में रहते हैं। ओके, खाना बढ़िया हो? खा ले सब्जी, सब ठीक है। खा लेना, 10 घंटे की नाव क्या बेटा? तुम्हें नहीं पता भाई भाई होता है, तुम्हें क्या पता भाई के बारे में, भाई क्या होता है। कई साल बाद मिले, बहुत साल हो गए ना, लॉकडाउन में रहिए ही ना। हाँ, दो साल लॉकडाउन के बाद ही आ लिए थे, तो 2 साल तक हो लगभग। तो फिर ज्यादा ही हो 2 साल से। फोटो सब मिल रहा, वीडियो भी है बने ले आयु सबसे। वीडियो और फोटो सारे भेज दे नाना वाला, जितने भी है सारे अपने फोन में, कम से कम रहेगा, याद तो रहेगा कम से कम। हरम कर मोबाइल दोस्त, बहुत ज्यादा रोना आ रहा है भाई को देख के, और ऊपर से मैंने अपने पापा की फोटो देखी, मैं अपने पापा को मरे हुए मुंह भी नहीं देख सकती। आज मैं क्लियर अपने पापा की फोटो देख ली, जहाँ था ये बस तो इतने जरूर लग जाते थे, आंख से आंसू निकलने लग जाते, आवाज मार कितने जरूर लग जाते। हम तो 4 साल पहले मिले उन्होंने चांदनी की दिया हमें, वो करवाता मेरी मुनक्कली
बेचारा दिल्ली आते 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 में मर लो बेचारे न देखो हाँ मोमबत्ती जी लगल रही होती फिर से ना तो दोस्तों मेरा भाई जाने के लिए निकल गया, वो जा रहा है अब। तो फ्रेंड्स दे सकते हैं, मेरा भाई जा रहा है सामान वामान लेके चला गया, वो बेचारा जा रहा है। सॉरी मैंने फेस नहीं ली, मेरे हस्बैंड भी थे ना इसलिए। तो अच्छी तरह से खाना वाना उनको खिला दिए मेरा भाई को, और जो भी जैसा हुआ मैंने कर दी उसका। और कई साल बाद मिला था मुझसे वो, और मैं अच्छी तरह से सूट भी नहीं कर पाई उनका, मैं सेन बिल्कुल भी थोड़ी बहुत ले सकी मैं उनका, क्योंकि चुरा के वीडियो बनाना पड़ रहा था तो इसलिए बहुत मुश्किल हो रही थी। किसी को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में मैं वीडियो बनाती हूँ, तो जितना हो सका मैंने थोड़ी थोड़ी सीन ली। और चेहरा देख सकते हैं कैसे उतर गया है, मैं बहुत ज़्यादा ही रोई रात लेके, और अभी तक सुबह भी मैंने बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। अब वो चला गया तो सामान वामान कुछ चाहिए थी उसको, तो यहाँ पर से अपना ले गया मेरे यहाँ से सामान वामान, थोड़ा वजन हो गया ज़्यादा, तो बच्चे के साइकिल पर जाके छोड़ के वहाँ से रोड से आ रहे हैं फिर, तो इसलिए छोड़ने गए हैं रोड पे। काम भी बहुत सारा पड़ा हुआ है देख सकते हैं, रात से रुका हुआ था तो अच्छा लग रहा था वो, लेकिन अब वो उसको भी अब जीवन देखना है, जरूरी है, कोई अब सपोर्ट करने वाला है नहीं, जो कि मैंने इसलिए मैंने खाना वाना खिला वाला के जल्दी से भेज दी सारा सामान। देख सकते हैं आप ऐसे पड़ा हुआ है बेचारा, खाना खा के गया ऐसे, छोड़ भी दिया, खाया नहीं इसलिए क्योंकि वो खा रहा था, मैं पापा के पिक देख के रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो भी इमोशनल होके उठ गया, खाया नहीं वो ढंग से। दोस्तों तो मैं अब वीडियो एंड कर रही हूँ, जो भी मुझसे बन गया होगा, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई होगी, आएगी सॉरी। और जितना भी मैंने कोशिश की हूँ शूट करने का बनाने का तो मैंने बना ली हूँ। और चलिए फिर हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, और काम वगैरह करके तो आप लोग जाके फटाफट से मेरे ब्लॉग को देखिए जाके, तो कोशिश करूँगी और भी अच्छा ब्लॉग लाऊँगा, खुश रहने की कोशिश करूँगी। जितना भी मुझसे हो सका मैंने वो शूट करके आप लोग तो प्रेजेंट करें, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हुआ इसे मिलने के बाद, तो इसलिए तो बाय।